तो फेल गेम फैमिली, क्योंकि ड्राफ्ट होने के बाद बहुत सारे सुपरस्टार्स फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ गए, इसलिए आज स्मैकडाउन की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप एक 8 सुपरस्टार गॉन्टलेट एलिमिनेशन मैच में डिफेंड करने जा रहे हैं लगभग 2 हफ्तों के बाद। तो बिग डॉग ने ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप द रॉक से जीती थी और लास्ट टाइम उन्होंने अपना टाइटल बचा भी लिया था। लेकिन ये जो ड्राफ्ट अभी चलते आ रहे ना, उसके बाद ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स जैसा आप देख सकते हो कि आ चुके हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, जिनसे अपना टाइटल बचाना बिग डॉग के लिए टफ हो सकता है। देखते हैं वो बचा पाते हैं नहीं आज की गेम प्ले में। और फेल आर्मी, जब तक आज का गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, एकदम फटाफट से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितनी फटाफट से किनशासा लगाया है शिंस्के नाकामुरा ने, बस बस इसी तेजी के साथ आप लोग भी वीडियो को लाइक करिए और नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। 500K तक अपने को जल्द से जल्द पहुंचना है। शिंस्के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉकआउट भी ऑन है मैच में और हर सेकंड के बाद एक नया सुपरस्टार ज्वाइन करते रहेगा। तो रोमन को अपनी चैंपियनशिप बचानी है ना, तो रोमन के पास सबसे अच्छा मौका यही है कि 8 नंबर पे आओ भाई। और फिर एक क्या होता है कि 8 नंबर पे आने से एक अलग एडवांटेज मिलता है कि आपके पास फुल हेल्थ है, सामने वाले लोग फिट चुके हैं, तो जीतने के थोड़े से ज्यादा चांस हो जाते हैं। ऐसे बेचारे सोलो को देख लो, दो दो किनशासा पड़ चुके हैं। मैं तो बोलता हूँ आज शिंस की इतिहास बदल दो। 1 नंबर से आकर गॉन्टलेट मैच अभी तक किसी ने नहीं जीता, जहां तक मुझे याद आ रहा अभी तक तो किसी ने नहीं जीता है, खास करके 8 मैन गॉन्टलेट मैच। 4 मैन जीतना आसान है, लेकिन 8 मैन, अरे भाई साहब, शिंस के इतना भी नहीं करना था। समोन स्पाइक एक तो रिवर्स कर दिया, लेकिन सेकंड वाले में शिंस के चूक गए और हमारे तीसरे सुपरस्टार भी ज्वाइन करने वाले। डेमियन प्रीस्ट भाई थोड़ा जल्दी आना, हजान रो रियल लाइफ में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया है, लेकिन यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल का मैच मिले तो दौड़ के और लगना चाहिए कि भाई तैयार है डेमियन प्रीस्ट। और मैं पहले ही बताना चाहूंगा भाई, कल से मेरी बहुत तबीयत खराब है और आप लोग को एक वार्निंग भी देना चाहूंगा कि हाँ गर्मी बहुत है, लेकिन ठंडा पानी थोड़ा सोच समझ के पीना, नहीं तो मेरी जैसी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसलिए आराम आराम से, और बाहर से आओ तो तुरंत ठंडा पानी जब मम्मी मना करे कि मत पियो तो मम्मी की बात माननी चाहिए, और नहीं मानोगे तो भाई तबीयत खराब होगी। जैसे मैंने नहीं मानी, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी तरह चल रहा है काम, मेरा काम चल रहा है। सोलो का काम तमाम हो गया भाई। डेमियन ने आते के साथ सेकंड एलिमिनेशन। डेमियन क्या कर रहा है भाई आज सब, इतनी फाड़ू परफॉर्मेंस ड्राफ्ट के बाद, इतना दिल मत जीत लो। शिंस्के ने बहुत अच्छा खेला और अब डेमियन प्रीस्ट आकर दिखा रहे हैं कि वो रियल लाइफ में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्यों है। ये बात पिन फॉल नहीं हुआ शिंस्के, बहुत सही। शिंस्के के पास लोबलो है, अच्छा लोबलो दे सकता है शिंस्के, क्योंकि इस मैच में भली नो एग्जिटिंग मैंने रखा है, आप अपनी मर्जी से रिंग के बाहर नहीं जा सकते। हाँ कोई और उठा के फेंक दे तो अलग बात है, लेकिन कोई अपनी मर्जी से रिंग के बाहर नहीं जा सकता। तो डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ ऐसा सिस्टम है कि इस मैच में DQ तो है नहीं। 4 नंबर पे सैमी ज़ेन, जो कि रियल लाइफ IC चैंपियन है, और हो सकता है कि आज यहाँ गेम के अंदर स्मैकडाउन के US चैंपियन बन जाए। 4 नंबर बुरा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 8 सुपरस्टार, जिसमें सारे सुपरस्टार आज जब इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो भाई 4 नंबर पे आना एडवांटेज तो नहीं है। हाँ ठीक है, 8 नंबर पे आओ, 7 भी अच्छा ही है अगर 60 सेकंड का टाइम है। अरे बाप रे, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग आते के साथ फिनिशर देने लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि 7 नंबर पे भी मत ही आओ भाई। देख लो सैमी ज़ेन को हलवा खिला दिया, डेमियन को मतलब हलवा केक। अब देख लो सैमी शिंस्के की वाट लगा रहा है भाई। मेरा 2K23 का टेबल चोर को कोई मारता है ना, यानी कि शिंस्के नाकामुरा को, दिल से बुरा लगता है। आप लोग भी जान दो, रेफरी स्टीन नहीं ना करता, शिंस्के अच्छा खेल रहा था, पर शिंस्के के साथ कांड। अरे ये गॉन्टलेट मैच है, 1-on-1 मैच नहीं है सैमी। 2-4 लोगों को आने दो, रिंग भरा हुआ लगना चाहिए, ऐसा लगे कि ये गॉन्टलेट एलिमिनेशन मैच है। 1-on-1 करना होता तो मैं 1-on-1 मैच लगा देता, और इसी वजह से मैंने 60-60 सेकंड रखा है। मैं जानता था कि अरे डेमियन भाई पिनफॉल मत करवा लेना, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो, हाँ थोड़ी लाज रख लेना। 5 नंबर पे मेरे फेवरेट जॉन सीना, देखो US चैंपियन सीना के लिए मैं अलग से बना के दूंगा, अगर सीना US चैंपियन बन गया तो सीना को वो टी शर्ट भी दे दूंगा, द चैंप इज हियर। लेकिन अगर चैंपियन बने तब ना भाई, टाइटल मैच में तो डाल देता हूँ, चैंपियन ही नहीं बनते। 5 नंबर भी अच्छा ही है, दो दो फिनिशर भी सीना के पास, एक आध ले। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो सीना। डेमियन को एक आध, अरे सीना मैं क्या बोल रहा हूँ, डेमियन ऑलरेडी बहुत पिट चुके हैं, सैमी की फुल हेल्थ है, तो सीना चाहे तो डेमियन प्रीस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं ये देखो डेमियन, अरे मार तो ले भाई थोड़ा सा। अरे सीना का 2 कैसे हो गया यार, डेमियन प्रीस्ट फिनिशर खा के उसका 1 में किक आउट कर रहा है, सीना 1 पंच में 2 भाई, अरे बाक सब एलिमिनेट हो गया सीना। 2 की भाई सच्ची में बता रहा हूँ, 2K ने जानबूझ के सीना को वीक बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेमियन का देख रहे हो फिनिशर खा के 2 हो रहा है, और सीना 1 पंच खा के 2, और एक हेलुआ किक में सैमी भाई क्या कर दिया,
ब्लू थंडर पावर बॉम्ब से बच गए डेमियन प्रीस्ट, सीना कोई बात नहीं, अच्छा ही है। यूएस चैंपियनशिप नहीं जीते तो क्या हो गया, अनडिस्प्यूटेड गोल्ड चैंपियनशिप है ना, वो जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल सैमी ज़ेन का एक और एलिमिनेशन ऐसा लग रहा है, सैमी तो पूरा रिंग खाली कर दे रहा है, खतरनाक डोमिनेशन। लेकिन ये डोमिनेशन ज्यादा देर नहीं चलेगी सैमी, क्योंकि पीछे से जो करंट चैंपियन है दौड़ते हुए आ रहे थे, पता नहीं फिर अचानक से चलने क्यों लगे, रोमन द बिग डॉग सैमी देख ले भाई, दो दो फिनिशर है रोमन के पास। वैसे सैमी ने बहुत अच्छा खेला है, मैं बोलना चाहूंगा कि आज सैमी ज़ेन ओपी होना चाहिए, जीते चाहे नहीं जीते, इस भाई ने मेरे पूरे मैच को खराब कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता था कि भरे रिंग, लेकिन इसकी वजह से वन ऑन वन हो गया। लेकिन जिसकी तारीफ बनती है उसकी तारीफ करनी चाहिए, तो सैमी ज़ेन आज तारीफ के काबिल है भाई। रोमन ने आते के साथ अपना काम स्टार्ट कर दिया, एक स्पीयर सैमी बहुत अच्छा जा रहा था। इस मैच में अगर रोमन नहीं होते कोई और होता तो शायद सैमी ये जो अपना रन स्टार्ट कर दिया था वन ऑन वन बनाने का, अरे सैमी सेकंड फिनिशर तो रिवर्स करना, या पूरे मैच का कोटा पहले ही निकाल दिया, जितना अच्छा खेलना था पहले ही खेल लिया सैमी। अरे रे रे भाई रोमन ऐसे नहीं जीता, वन ऑन वन क्यों करके रखा भाई, इन लोगों ने वन ऑन वन कर दिया। दो लोग और बच गए रोमन के बाद, तो रोमन को तीन एलिमिनेशन करना होगा अपना टाइटल बचाने के लिए। और सामने शील्ड का कपड़ा भी पहना हुआ है रोमन ने, और सामने शील्ड का धोखेबाज आ रहा है, यानी कि सेथ चालू रॉलिंस। तो रोमन यही मौका है, शील्ड की यादें ताजा करो और सेथ को एलिमिनेट करो। आठ नंबर पे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन बच गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार्स लोग ड्राफ्ट हो गए और चैंपियन लोग भी बहुत आराम कर रहे हैं भाई, अपना टाइटल आराम से लेके घूमे जा रहे हैं, तो उनका भी टाइटल मैच बीच बीच में होते रहेगा, लेकिन ड्राफ्ट भी कंटिन्यू रहेगा जब तक 30 सुपरस्टार्स एक ब्रांड में ड्राफ्ट नहीं हो जाते। सेथ देखो, जब जब रोमन का कोई बहुत भयंकर मैच रहता है ना, रियल लाइफ हो चाहे गेम हो, सेथ आके उस मैच को बिगाड़ते हैं रोमन के लिए। सेथ के लिए वो अच्छा है, लेकिन रोमन के लिए वो बिगाड़ देते हैं। रोमन बाहर नहीं जा सकते, जैसा मैंने बोला कि दूसरे को फेंक सकते हो बाहर, रोमन तैयार थे क्लोज लाइन के साथ। सैमी ज़ेन मैं आज सच्ची बता रहा हूँ, रोमन अगर नहीं आते तो सैमी ज़ेन हो सकता है चार नंबर से आज गॉन्टलेट मैच जीत कर यूएस चैंपियन भी बन जाते और एक अलग ही परफॉर्मेंस दिखाते। लेकिन रोमन ने आके जो खचाखच दो स्पीयर लगाया, वैसे सैमी के साथ भी अच्छा ही हुआ, सीधा को भाई एक खेल हुआ के यार, ऐसा भी मत करो, सब दो दो फिनिशर से एलिमिनेट होते हैं, सीधा ही क्यों, मेरा सवाल ये मतलब मजाक की भी बात है लेकिन गुस्से वाली बात भी है। लो सेथ को भी तो पड़ा एक स्पीयर, सेथ थोड़ी एलिमिनेट हो गया, मैं चाहता नहीं हूँ कोई एक फिनिशर में एलिमिनेट हो, लेकिन फिर सीधा क्यों होते हैं। सेथ तो गए नहीं, पर रेजिलेंस क्यों यूज कर ली सेथ ने, मेरी समझ से बाहर है, सेथ यूज नहीं करना चाहिए था रेजिलेंस। रोमन के पास अब सिग्नेचर भी आने वाला है और पीछे खड़े हुए फिंड, रोमन थोड़ा संभल कर, फिंड तैयार है दो दो फिनिशर्स के साथ जिसमें से एक लगा दिया मैंडिबल क्लॉ, बहुत ही आराम से थे फिंड, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, कैलकुलेट किया रोमन की रेजिलेंस नहीं यूज किया रोमन ने, एक फिनिशर में यूज नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्यों सेथ ने एक फिनिशर में रेजिलेंस यूज कर ली, फंसा के ना अभी नहीं, थोड़ा मार खा लो, सेथ का हो सकता है फंसा के पिनफॉल, क्योंकि सेथ के पास रेजिलेंस नहीं है। लो सेथ का टाटा, दूसरा फिनिशर है, टाटा नहीं होना चाहिए, पिनफॉल भी मुझे नहीं लगता कि होगा, बॉडी येल्लो हेड येल्लो मुझे लग ही रहा था, सही है सेथ, लेकिन अब बहुत थिन लाइन पे हो, क्योंकि दिक्कत ये है कि दो फिनिशर पड़ चुके हैं, एक और पड़ा खेल खत्म। रोमन की हेल्थ अभी भी अच्छी खासी बची हुई है और फिंड सर के पास जो दो फिनिशर थे, रेस्ट इन पीस सर, आपने दोनों फिनिशर यूज नहीं करने चाहिए थे, बचा के रखते ना ज्यादा सही रहता। रोमन और फिंड की मैं बोलूंगा लगभग हेल्थ सेम ही है, हाँ फिंड को एक भी फिनिशर नहीं लगा है, रोमन को एक फिनिशर लग चुका है। फिंड सर नीचे नहीं जा सकते, रिंग के अंदर ही रहना होगा। ये रोमन की अच्छी स्ट्रेटजी है कि भाई बाहर एक आदमी को फेंक दो फिर वन ऑन वन, रोमन बाहर नहीं जा सकते, ना अपने से नहीं जा सकते, बोला ना मारो अब सेथ को, क्या कर सकते हो। सेथ बहुत ज्यादा संभल के एक सिग्नेचर भी लगा, ओके रोमन को ये सेकंड फिनिशर ऑफ द मैच, रोमन गए नहीं, अपनी चैंपियनशिप बचा के रखी हुई, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए। सेथ के पास एक और फिनिशर है और सेथ जा सकते हैं रोमन का पिनफॉल के लिए, पता नहीं ओ तीसरा फिनिशर शायद लगाने जा रहे थे सेथ, सेथ समझ गए भाई चालू ऐसी नाम थोड़ी रखा है, सेथ समझ गए थे कि रोमन रेजिलेंस यूज करेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट तीसरा फिनिशर तो रिवर्स भी नहीं कर पाते, रोमन स्टंट थे और एलिमिनेट हो सकते थे, तो सेथ ने अपनी चालूपंती दिखाई ही, लेकिन फिंड भी तैयार थे, चालूपंती दिखाने नहीं थी। फिंड एक फिनिशर, अरे सेथ बस रोमन रास्ते में नहीं आए, कनेक्टेड पिनफॉल करवा के देखो होगा नहीं, लेकिन चलो अच्छा है, ट्राई करना चाहिए क्या पता।
नहीं नहीं भाई, सिर्फ सीना के साथ करंट होता है, बाकी सब सही है। फिंड के पास सिग्नेचर है, रोमन के पास सिग्नेचर, और सबसे ज्यादा खतरे में फिलहाल सेथी है। रोमन भी थोड़े से खतरे में आ चुके हैं, दो फिनिशर लग चुका है, तीसरा फिनिशर पता नहीं सर्वाइव करेंगे या नॉकआउट हो जाएंगे डायरेक्ट, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिंड आई थिंक सिग्नेचर देने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन नहीं, सेथ को उड़ता तीर लेना था और ले लिया है फिंड सर। हाँ, कॉर्नर में भी इनका सिग्नेचर है, डांस करके देते हैं, देखते रहो, मस्त लगता है मुझे ये, पूरा बॉल डांस करते हैं उसके बाद फिर सिस्टर अबिगेल, एक नंबर बनाया है भाई, मजा आता है ये वाला देखकर। सेथ का टाटा, सॉरी सेथ, ओ बचा लिया रोमन ने, बचा लिया अपने शील्ड के भाई, अरे रोमन बाहर क्यों फेंकते रोमन, लेकिन स्ट्रैटेजी अच्छी है, सही है रोमन, अपना काम करवा लिया, सेथ को आज एलिमिनेट कर दिया, शील्ड वाला बदला भी ले लिया है। तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि रोमन अपने चैंपियनशिप बचा सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रोमन, क्योंकि फिंड के पास फिनिशर है भाई, मैं समझा ही रहा था, रोमन पहले ही अपना बिग डॉग वाला स्टाइल मारने लगे, और फिंड उतने खतरे में नहीं क्योंकि अभी तक, अरे बाप रे बाप, खतरनाक फिंड, पिनफॉल ना ना ना, द फिंड सर जीतना है तो बस अब एक ही ऑप्शन है कि उठते के साथ मैंडिबल क्लॉ लगाओ, तभी गेम हो सकता है रोमन के साथ। तीसरा फिनिशर है, एक सेट की मेहरबानी है, रोमन नॉकआउट हो गए, नहीं पता नहीं, हो गए नॉकआउट हो गए, तो अनडिस्प्यूटेड गोल्ड चैंपियनशिप भले ही ट्राइबल चीफ रोमन के पास है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जाती है द फिंड ब्रे वाइट के पास। दोनों को मैं बोलना चाहूंगा वेल प्लेड, लेकिन कांग्रेचुलेशन सर। ये ब्रे वाइट का टाइटल सेलिब्रेशन कितना खतरनाक है, ये देख रहे हो, टाइटल ना सिर्फ जीता है लेकिन इनका टाइटल सेलिब्रेशन भी एक तरह से ये मॉक ही कर रहे हैं अपने अपोनेंट को। किसी का टाइटल सेलिब्रेशन ना 2K24 में बहुत अच्छा बनाया है, ये वाला तो 2K23 में भी था फ्रेंड का, लेकिन और भी बहुत लोग हैं जिनका मैंने देखा है कि टाइटल जीतने के बाद उनका ओरिजिनल टाइटल सेलिब्रेशन है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो फिलहाल स्मैकडाउन के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हैं द फिंड ब्रे वाइट, रेस्ट इन पीस सर, और चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।